वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम यूनिट वन के PYQ को डिस्कस कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं 2021 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, आउट ऑफ द ऑल एवरेजेस बाई द अर्थमेटिक इज द मोस्ट पॉपुलर एवरेज इन द स्टैटिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में फॉर्मूला कर करके और मीडियन को कैलकुलेट करा, 17th परसेंटाइल, तो 70th परसेंटाइल का फॉर्मूला आपके सामने था। पहले साइज ऑफ 70th परसेंटाइल हम कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद वही मीडियन वाला सेम फॉर्मूला लग गया। ये कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें कैलकुलेट करना है बच्चे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, थ्रू द स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो इसके लिए पूरी क्लासेस को आप देखिए, आपको डिस्पर्जन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझाया हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है ये मीन में समझाया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मैंने स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना सिखाया है। तो PYQ में तो बस एक रिविजन क्लास होती है, बाकी सब कुछ सिखाया हुआ है, आप डिस्पर्जन के अंदर जाकर देखिएगा इस चीज़ को, ये आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है क्यों, उसके पीछे भी रीजन मैंने बताया हुआ है। क्लियर है बच्चे? तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एक एक बातें क्लियर की हुई हैं आपको, तो उसको देखना बहुत जरूरी है अगर आप PYQ करना चाह रहे हैं तो। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन, तो जरा देखें मैं इसके अंदर ही करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास में डेटा है ना, तो आपके पास में एक एक्चुअल डेटा तो नहीं है, क्योंकि डेटा एक रेंज में है, तो एब्सोल्यूट डेटा हम कैसे लेते हैं, तो हमारे पास में कभी भी कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें कि डेटा एक रेंज में है बट एब्सोल्यूट डेटा हमें नहीं मालूम, तो हम उसके मिड वाले को हम एब्सोल्यूट डेटा ले लेते हैं, इसके लिए हम इसमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 125 दोनों को सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप तो 175 और 50-50 का गैप है अगर आप देख रहे हैं तो 50-50 ऐड करते जाइए, 225 275 375 375 and 425, ये मिड वैल्यू है, ये हमारे पास में M हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं आपसे, एफ डी स्क्वायर, अब यहां से हमें D निकालना पड़ेगा, D क्या होता है बेसिकली, आप M में से कोई भी एक नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, उसको आप माइनस कर दीजिए, इसको हम ए बोलते हैं। ठीक है बच्चे? अब आप इसमें से ए माइनस कर लें, ए इसमें से आप कुछ भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अगर आप 275 को अगर आप ए ले रहे हैं तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 25 आप माइनस करेंगे तो 250 and 150 माइनस में आएगा बच्चे, माइनस 50 0 माइनस करेंगे अगर आप इसको 275 325 माइनस 275 50 100 150। क्लियर है बच्चे? अब हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में डी है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है और ये है, माइनस 750 माइनस 2100 2000 माइनस में 0 एंड 1400 और उसके बाद 1200 150 into 5
750 ये एफडी हो गया। और हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें समीशन एफ तो चाहिए, समीशन एफडी। तो समीशन एफडी क्या आएगा, तो पहले हमारे पास में प्लस कर लेते सबको, 750, 1200, 1400, डबल 350 एंड माइनस कर देंगे 2000, प्लस 2100, प्लस 750, 4850। तो सॉल्व करेंगे 3350 माइनस 4850, तो माइनस 1500। क्लियर है बच्चे? उसके बाद एफ डी स्क्वायर, तो मैं यहां पर अब एफ डी स्क्वायर निकालूंगा। तो एफ डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, एफ डी को डी से हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लेंथी हो रहा है आपका ये, काम करते हैं। क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं दोबारा, स्पेस नहीं है बच्चे, तो मैं स्पेस नहीं है, मैं नए पेज पे कर देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेता हूं पूरा, एक्स हंड्रेड 150, वन फिफ्टी टू 200, 200 टू 250, 252 300, 300 टू 350, 352 400 टू 450 एक्स हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 5140, 5140, 3928, 12 and 5। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ जी। तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर एम निकालूंगा, तो इसका सम डिवाइडेड बाय टू मिड वैल्यू, तो 125, क्योंकि हमारे पास में डेटा एक रेंज में, एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, तो एब्सोल्यूट डेटा के लिए मैं उस रेंज की मिड वैल्यू ले लूंगा, ना तो लीस्ट ना ही हाईस्ट, उनके बीच का मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू इनको सम डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, उसके बाद बार बार सम डिवाइडेड बाय टू करने की नीड नहीं है, 50-50 का गैप है, 50 गैप चला दीजिए इसमें आप। तो 175, 225, 275, 325 एंड 475, 375 एंड 425। क्लियर है, ये एम है बट हमें डी चाहिए, तो डी कैसे आएगा हमारे पास में, डी हमारे पास में आएगा एम माइनस में ए। कुछ नंबर अज्यूम कर लीजिए, ए क्या अज्यूम करा मैंने, मिडल नंबर अज्यूम कर लीजिए, लीस्ट हाईएस्ट कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट चलिए बीच का ले लेते हैं ताकि छोटा आ जाए। तो इसमें से हमने माइनस करा 150 माइनस का, माइनस करा 100 और माइनस करा 275 में से, तो हमारे पास में आ गया ये 50, 0, 50, 100,
150, ये डी है। अब मुझे डी डैश से यू निकालना है। यू बेसिकली क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय कोई भी कॉमन नंबर सी, ठीक है। सी से अगर आप डिवाइड करते हैं बच्चे इसको, तो सी क्या ले रहे हैं आप यहाँ पर, सबके सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, जो सबसे डिवाइड हो जाए वो सी ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन ले लीजिए 50। तो क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3, क्लियर है। अब आपके पास में f जो है वो u को मल्टीप्लाई करेगा, तो f अगर हमारे u को मल्टीप्लाई करेगा तो f u, तो 5 इंटू 3 -15 21 इंटू 2 -42 40 इंटू -1 -40 एंड 0 28 इंटू 1 28 12 इंटू 2 24 5 इंटू 3 15। ये क्या आ गया, एफ यू आ गया, और एन हम क्या निकालेंगे अब, एफ यू स्क्वायर, एफ यू स्क्वायर, तो एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू 45 प्लस का 84 प्लस 40 0 28 48 45 एफ यू स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो एफ यू का सम कितना आया हमारा, 15 प्लस पहले 28 प्लस 24 प्लस 15 67 एंड माइनस 15 42 एंड 40 97, तो 97 माइनस 67 30, समीशन ऑफ एफ यू एंड समीशन ऑफ एफ यू स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 45 प्लस 84 प्लस 40 प्लस 28 प्लस 48 प्लस 45 290। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय एन, या फिर समीशन एफ का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन एफ यू स्क्वायर क्या था, 290, एंड समीशन एफ क्या आ गया हमारे पास में, समीशन एफ हमारे पास में है 5 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 150। तो यहाँ पे 150 माइनस समीशन एफ यू, सो समीशन एफ यू कितना आ गया हमारा 30 बाय समीशन एफ कितना है 150 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 0 29 बाय 15, सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 29 बाय 15 1.9 33 माइनस 0.2, क्लियर है बच्चे, 0.2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 1.933 माइनस 0.04, क्लियर है, तो 1.93 माइनस 0.04 अंडर रूट 1.89 एंड अंडर रूट 1.37, क्लियर है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को,
क्लियर है, कोई डाउट? और फॉर्मूले में जो आपने कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या था आपका, जिससे डिवाइड सी, मल्टीप्लाई बाय सी आप कह सकते हो, तो 50 जिससे डिवाइड किया था आपने 50 और इंटू 50, तो क्या है आपके पास में 1 इंटू 50, तो 68.73। क्लियर है बच्चे? तो 1.37 मल्टीप्लाई बाय 50। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस क्या फॉर्मूला होता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बच्चे? और हमारे पास पे क्या क्या चीजें हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, क्या इनटू आई होता है, मीडियन है हमारे पास में, मीन निकाल लेते हैं इसमें से बच्चे। मीन कैसे निकालोगे बताओ जरा, मीन का फॉर्मूला होता है ना आपका, इसी में से मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू आई। तो ए क्या है आपका, क्या माइनस किया था सम में से आपने, 275 प्लस समीशन एफ यू, एफ यू क्या है आपके पास में, एफ यू आपके पास में 30 है, अपॉन समीशन एफ 150 और इंटू आई 50। आपका मीन आ गया, जीरो कट गया, 3, 10, 285 आपका मीन आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मीन का फॉर्मूला आपके पास में क्या रहेगा, मोड इक्वल्स टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। ये रहता है ना, क्योंकि मुझे मोड की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास मीन मीडियन दोनों है, तो 2 इंटू मीन, मीन क्या है मेरे पास में बच्चे, मीन मेरे पास में है 285, 285 माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है हमारे पास में बच्चे, 261.53। सॉल्व करेंगे, 285 इंटू 2 570 एंड माइनस 261.53 इंटू 3 784.59। सॉल्व करेंगे आप इसको, माइनस 570 214.59, ये मेरे पास में क्या आ गया, मोड। अब हम इतना निकालेंगे तो मीन क्या है, मीन हमारे पास में 285 माइनस मोड क्या है, माइनस 214.59 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी निकाला है 68.73, तो 285 प्लस 215.59 अपॉन 68.73, तो 285 प्लस 214.59 499.59 डिवाइडेड बाय 68.73 7.26। क्लियर है बच्चे?
इसमें मीन गड़बड़ लिखा है मैंने, 285 मीन, देखता हूँ क्वेश्चन में बच्चे क्या गड़बड़ करी है। ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ मतलब डी डैश, थ्री मीडियन माइनस टू मीन, देखिए हेलो हेलो देखो बच्चे, मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, टू मीन तो थ्री एंड मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन क्या निकाला हमने, दो सौ 61.53, 261.53 माइनस टू मीन, मीन क्या निकाला हमने, 265 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकाला हमने, 68.73, 68.73। तो सॉल्व करेंगे इसको अगर आप, 261.53 इंटू थ्री 784.59 माइनस 265 इंटू टू 530
अपॉन 68.73, तो 784.59 माइनस 530 डिवाइडेड बाय 68.73, तो 3.70। क्लियर है बच्चे? मोड थ्री 784.59 माइनस 265 इंटू 2 530। गड़बड़ बहुत हो रही है। 784.59 माइनस 530 254.59। अब मैं निकाल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन क्या है मेरा 265, मोड क्या है मेरा 254.59। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा जी? स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 68.73, तो 265 माइनस 254.59 डिवाइडेड बाय 60 0.15। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो, आ तो रही आवाज बच्चे? वेट वेट करो। डन। हेलो, बच्चे कल भी क्लास आपके आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है ना? कल भी लेंगे क्लासेस पीवाईक्यू में, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद 5 साल क्वेश्चन करने ना मैं, फिर एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन ये 5 साल क्वेश्चन को कवर करेंगे, हम यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ही क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम।